प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पहली रैली आगरा से शुरू की, जिसमें उन्होंने 3,500 करोड़ की सौगात आगरा को दी। मोदी ने आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में एक बड़ी जनसभा कर 3,500 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और यहीं से उन्होंने ब्रज में चुनावी शंखनाद भी किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 23 विधानसभा क्षेत्रों से लोग आए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ साथ प्रदेश के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आगरा की 9 विधानसभाओं के मौजूदा विधायक, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सांसद चौधरी बाबूलाल, आगरा के मेयर नवीन जैन सहित कई क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी लगाए गए। क्या कुछ कहा सुरक्षा पर एसपी सिटी आगरा प्रशांत वर्मा ने, आइए सुनाते हैं आपको। प्रशांत वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आगामी आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आगरा में आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, खासी कैसी व्यवस्था रही है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सर, जो सुरक्षा व्यवस्था है की अगर बात करें तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? माननीय प्रधानमंत्री सुरक्षा के जो भी मानक हैं उनके अनुसार ड्यूटियाँ लगा करके, और इसमें साथ में आगरा के अतिरिक्त अन्य जनपदों का भी फोर्स एवं केंद्रीय बलों का भी प्रयोग किया गया है। तकरीबन कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए? यहाँ पर संख्या सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भी एक सुरक्षा है उसमें खतरा उत्पन्न हो। भाजपा पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए पैदल एयरपोर्ट तक गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को बूके भेंटकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कोठी मीना बाजार मैदान पर 3,371 करोड़ रुपए लागत की 12 योजनाओं का लोकार्पण व 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण में 2,887 करोड़ की गंगाजल योजना प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने आगरा दर्शन योजना के तहत हेलीपोर्ट स्मार्ट सिटी के तहत 285 करोड़ की एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र व SN मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास किया। आरक्षण लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह विपक्ष के निशाने पर लेकर कहा कि कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था, SC ST पिछड़ों को मिला आरक्षण कम कर दिया जाएगा, लेकिन हमने किसी का हक मारे बगैर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है। नौकरियों में ही नहीं, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा और 10% तक सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर पूर्व भाजपा सांसद प्रभुदयाल कठेरिया से बातचीत के कुछ अंश। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद श्री प्रभुदयाल कठेरिया जी। उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के आज आगरा आगमन के बाद जनता को क्या कुछ जो उम्मीदें थीं पहले से जो रही हैं, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरे, ये जानेंगे श्री कठेरिया जी से। सर, क्या जैसे प्रधानमंत्री मोदी आज आगरा आए बड़ी उम्मीदों के साथ, नगर की जनता भी वहाँ पर पहुँची, शहर की जनता, तो क्या कुछ जनता के लिए उन्होंने तोहफे के रूप में दिया है? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्राइम मिनिस्टर अब तक बने हैं, लगभग वो ऐसे संघ से निकल के आए जिनको ठीक तरीके से मालूम है कि जनता की क्या भावना है, क्या चाहती है जनता। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो कदम उठाया है, आज मैं समझता हूं कि आजादी के बाद तमाम सरकारें आई, सरकारें गई, और किसी की आलोचना न करते हुए मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं, पानी आदमी का जीवन है। ये तो मैंने भाई जनता को सड़क बिजली पानी, तीन चीजें तो ऐसी होती है जो जनता एक मूलभूत सुविधा के लिए अपना, मतलब हर आदमी को जरूरत होती है, चाहे सिटी में रहे, चाहे गांव में रहे, कहीं भी रहे। तो इस जमुना को इतना दूषित कर दिया गया था, ठीक है, हो सकता है कि बड़े लोग हैं तो बिस्लरी पानी पी लें, पर जनता है वास्तविकता, उसको बेचारे को पानी शुद्ध पीने के लिए नहीं मिल रहा था, कीड़े पड़े हुए पानी मिले। कई सरकारें आई, पर देश के प्रधानमंत्री की मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री का, कि जिस तरीके से गंगाजल परियोजना के लिए उन्होंने आगरा को नहीं, अब आगे आगामी भविष्य में मथुरा भी है इस प्लानिंग में, जो जनता
अब मांगने को तो खैर फतेहपुर सीकरी से लगभग सभी लोग मांग रहे हैं, गंगा जल पानी आए, पानी की प्रॉब्लम तो है सभी जगह, पर आगरा को जो पानी दिया है निश्चित रूप से एक सराहनीय काम है। दूसरा 3500 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, लगभग अब स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने कहा कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है ये, जहां ठीक तरीके से व्यवस्था अभी नहीं है, 250 पलंग की उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कर देंगे। एक उन्होंने पूरी सुरक्षा की दृष्टि से कि भाई जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, सफाई कर्मचारी है या कोई और अधिकारी है, कर्मचारी है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके लिए उन्होंने कहा कि पूरी आगरा सिटी में सैकड़ों की तादाद में सीसी कैमरे लगेंगे, कहां गंदगी पड़ी हुई है, कहां प्रॉब्लम्स हैं और कौन आदमी अपने काम को पूरा ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी मॉनिटरिंग। और जिस सीसी की जैसे इलाहाबाद महाकुंभ में इस वक्त हो रहा है, इसकी भी मैं सराहना करता हूं कि आज पूरे विश्व के अंदर कुंभ तो एक ऐसी चीज है, भारत की धरती, लगभग इस कुंभ में अब तक जितने हुए हैं उससे कुछ और ही अच्छा होगा। अब की बार कुंभ जो है ना, जबरदस्त व्यवस्था की गई है महावीर सम्मेलन के इलाहाबाद की, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी प्लस जो आज करना चाहिए था वो आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी दोनों ने मिलकर कुंभ की एक ऐसी श्रृंखला बना दी है। या एक बंद कर लीजिए एक मिनट की, जर्रे जर्रे पर ये निगाह रखी जा रही है, कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल व्यक्ति, कोई ऐसा देश का द्रोही, कोई ऐसा काम ना करे, वो एक ही जगह पे मॉनिटरिंग हो रही है। तो आगरा के लिए जो चीजें दी हैं, मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि ये कुछ तो प्रारंभिक हो चुकी है, कुछ प्लानिंग में है, वो भी निश्चित रूप से जो अपने मुंह से कह के गए हैं। और एक बात आज उन्होंने झीझर कही, ठीक है भाई, प्रतिपक्ष नहीं तो कोई सत्ता भी नहीं, प्रतिपक्ष करे पर सकारात्मक रूप से अगर विरोध करे तो अच्छी बात है। एक कदम जो उठाया उन्होंने अभी, जाति धर्म या समुदाय, गरीबी किसी के बापोती नहीं है, न गरीबी में कभी ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सब इसी की गरीबी बंधी हुई है। एक ब्राह्मण का बेटा है, वो गरीब है। आज ऐसे हम तुमको कई कम से कम बता दें, अपने इलाके से ही बता सकते हैं, कई गरीब परिवार है, ठाकुरों के, ब्राह्मणों के, बघेलों के, यादवों के, गुजरों के, ऐसे गांव है ता जो गरीब बेचारे कढ़ैया माज रहे हैं दिल्ली में। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री ने, एक क्रांतिकारी कदम है जी, क्रांतिकारी इसलिए कदम है कि अब तक जो लोग कहते थे कि साहब 10% दे देंगे, वो चुरकटे की बात करते थे, क्योंकि 50% से अधिक जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल है। पर उन्होंने कहा हम जरूर देंगे और संविधान में संशोधन करके देंगे, जो गरीब बच्चे अपने बिछड़ जाते हैं, गरीब इनके हाई कास्ट के लोगों बच्चों को, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अब 10% बच्चा क्वालिफाइड पहुंच गया, वो सिर्फ अगर 10% उसे मिल गया तो क्वालिफाइड पास होके जाएगा, वो आईएएस बन सकता, आईपीएस बन सकता, पीसीएस बन सकता, इंजीनियर बन सकता, कुछ भी बन सकता है। ये 10% जो आदरणीय मोदी जी ने जो किया है, मैं उसकी भी भूरभूर प्रशंसा करता हूं कि ये बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था, पर हर व्यक्ति में ये दम नहीं होती कि इतने बड़े क्रांतिकारी कदम को उठा के और उसको संभाल ले पूरा। आज अपने मुंह से एक बात और अच्छी कही उन्होंने कि इस विधेयक पर, इस बिल पे जो हमारे समर्थन किया है जिन्हें राजनीतिक दलों ने, हम उनकी भी भूरभूर प्रशंसा करते हैं। बड़ी बात, अच्छी बात है, जो देश के हित में कोई चीज है, समाज के हित में कोई चीज है, उसके लिए अगर ऐसे ही जो यानी कि जिस तरह से विपक्षी जो दल हैं सभी ने समर्थन दिया है मोदी सरकार के इस फैसले पर, तो ये अच्छा एक पहल है। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने मंच से इस बात की घोषणा की है कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अच्छे कदम के लिए, जो कि मैं कहता रहा हूं कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो बेचारे कढ़ैया क्या आप दुनिया भर के मजदूरी तक कर रहे हैं, आप उनको क्या पता है। आगरा के लिए, आगरा एक वो धरती है, उन्होंने कहा टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा जब जल से लेकर सिक्योरिटी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और स्वच्छता की व्यवस्था ठीक होगी, तो पर्यटक दुनिया का जो आता है, सारे विश्व का पर्यटक आगरा में आता है, अगर उसको अगर 25 रुपए की बोतल पानी को मिलती है तो वो न गंगा जल जब पानी शुद्ध मिलेगा तो पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ रोजी रोजगार मिलेगा। और मैं समझता हूँ आगरा आज भी वो ताजमहल से, ये मान के चलिए ये भी तो एक देश की धरोहर है हमारी, आज कम से कम नहीं मैं अंदाजा
लगभग 45% लोग, इतना राजस्व यहाँ आता है, अगर वो आना बंद हो जाए तो मैं समझा आगरा आधा परेशान हो जाए, तो हम उसकी भी चिंता। एक बात और कहना चाहते हैं, आज समय नहीं मिल पाया इतना, पर उन्होंने जो भी किया है मैं उनके उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो जो कह के गए हैं, भविष्य में देखिए जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का धनी होता है, आज उनके परिवार की स्थिति अगर देखी जाए तो भाई जो कबाड़ा बेच रहा था वो कबाड़ा ही बेच रहे हैं आज। जो भाई तीनों उनके जो है ना, जो परचूने की दुकान चला रहे, वो चाहता प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो अपने भाई परिवार को कुछ भी कर सकता था, पर उन्होंने देश की संपत्ति को अपनी मां समझ के कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बात के लिए भी मैं प्रशंसा करता हूं कि एक देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक कदम उठाया, ये क्रांतिकारी कदम है। और आज की जो रैली है, रैली तो धन्यवाद उनको भी देना चाहते हैं कि पार्टी संगठन ने जो आदेश किया, एक एक कार्यकर्ता लग के जहां से भी आदेश हुआ, लगभग बसों से, कोई पैदल, कोई अपने वाहन से, जैसे भी आया, रैली को सफल बनाने के लिए भी मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जिले के सभी दोनों जिलों के लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि रैली खूब सफल रही, अच्छी रही, बढ़िया रही। चुनाव का ये शंखनाद आगरा से कर दिया? देखिए शंखनाद तो वो और भी कर चुके, पर लगभग अब तक उनकी तीसरी रैली थी ये, जब जब उन्होंने इसे कोठी मीना बाजार में रैली की है तो सफलता निश्चित मिली है, तो मैं समझता हूँ 2019 में भी सफलता मिलेगी। कोठी मीना बाजार लकी है लकी इसलिए कहा जाता, देखिए जब जब उन्होंने यहाँ रैली की तो उन्हें सफलता मिली है। और लकी केवल भाजपा के लिए या तमाम और विपक्षी दलों के लिए? देखो मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, भाजपा की हमारी जो जब रैली हुई है तो सफलता मिली है, देश में भी सरकार बनी, प्रदेश में भी सरकार बनी, और लगभग मैं समझता हूं कि उस रैली के बाद में 18 राज्यों में सरकार बनी हमारी, 18 स्टेट, आज तो 19 स्टेट हमारे पास ऑलरेडी अभी हैं, तो मैं समझता हूं कि सफलता है। और आज के दिन के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो वो घोषणा करके गए हैं वो पूरी हो तो आगरा की जनता भूर भूर प्रशंसा करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी से? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं कह चुका हूं एक बार और, लाइव चली थी मेरी, पार्टी माँ है, मैं पुत्र हूं जी। और पुत्र गिड़गिड़ा रहा है या रोए तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पुत्र कहीं रो तो नहीं आ रहा है जी। मेरा कर्तव्य, मैं जनता का प्रतिनिधि रहा हूं 3 बार विदाउट गैप जी। और उस जमाने में रहा, उस क्षेत्र से रहा, आप समझते हैं फिरोजाबाद किसका घर था, जनता के प्यार से और अपने कार्यकर्ता के बलबूते में पार्टी ने जैसा ही आदेश किया है लगभग विदाउट गैप में जीत के गया हूं। और अब की बार मैं निश्चित रूप से पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्रमुख मुखियाओं से, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों से, कि मुझे जरूर इस युद्ध में उतारें, और युद्ध में उतारा तो ये पुत्र आपका जीत के आएगा, बस ये कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभुदयाल कठेरिया की लोकप्रियता आज भी लोगों के बीच में उतनी है जितने पहले हुआ करती थी, लेकिन स्थानांतरण कहीं ना कहीं वोटों में परिवर्तन ला सकता है, जिस तरह से जैसे फिरोजाबाद में आपकी लोकप्रियता रही है, फिरोजाबाद से आप सांसद रहे हैं, तो आपका स्थानांतरण आगरा से अगर हो रहा है तो क्या वोटों के ध्रुवीकरण में आप ही फंस सकते हैं? मैं ध्रुवीकरण की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब सांसद था फिरोजाबाद जैसी नगरी जहां हिंदू मुसलमान लगभग बराबर, थोड़ा बहुत अंतर है, उस वक्त भी कई परसेंटेज में हमें मुसलमान का वोट मिलता था। प्रभुदयाल कठेरिया अगर लड़ेगा आगरा से तो यकीन मुझे अपने परमात्मा पे है और अपने व्यक्तित्व कर्तृत्व पे दोनों पे, क्योंकि मैंने अब तक कोई भी जनता के साथ में कोई गद्दारी नहीं करी, झूठ नहीं बोला, न कोई अहंकार की बात करी, मैं जनता का सेवक हूं। हमारा जब देश का प्रधानमंत्री अपने को चौकीदार कहता है तो ये वही सच्चा चौकीदार है। इन्होंने ही लाल किले से कही थी कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो 27-30 साल की राजनीति में इस दामन पे कोई दाग नहीं है। और मैं समझता हूं कि विरोधी भी कम सोच समझ के मुझ पे कमेंट करेगा, जो कह दिया वो डिसीजन हैड बीन डन, तो उसी तरीके से, क्योंकि राजनीतिक मेरे गुरु आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनका व्यक्तित्व मेरे हृदय के अंदर आज वास करता है कि अटल जी को सारे विश्व में 85 कंट्री ने झंडा झुके रहे थे, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को मैं सत्सन नमन करता हूं। उस वक्त मैं उनकी धरती का एक छोटा सा सिपाही हूं, जब तक राजनीति करूंगा इस दामन पे आंच नहीं आने दूंगा और पार्टी की कभी छवि को बिगड़ने नहीं देंगे, अपने कर्म से पूरा प्रयास करूंगा।
अगर मौका मिल गया तो आगरा के लिए ना मैं किसी आलोचना कर रहा, ना सरकार की, ना किसी प्रतिनिधि की, मुझे जरूर है अगर मौका मिला मुझे और देश की लोकसभा में पहुंचा तो भूतो न भविष्यो, ऐसा सांसद काम करके जाएगा जो जनता याद करेगी कि वास्तव में एक मेरे सांसद ने यह काम किया था। जैसे आज कह सकता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी रेलवे लाइन की व्यवस्था कराना कि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी, और आगरा फिरोजाबाद की इंडस्ट्री को बचाना, गुजरात से गैस पाइपलाइन लाना, यह कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। यहां करके जनता चाहती है मेरा ये चौकीदार अटल जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने मालूम क्या कहा था, अपनी जनता को नमन करता हूं, जनता सुप्रीम पावर है। अब जो सिपाही चुनने के बाद में चौकीदार की जगह पर को गवर्नर हो जाते हैं, मतलब गवर्नर का मतलब वो नहीं, इतना अहंकार आ जाता है, फिर वो जनता ठीक तरीके से जानती भी है। तो जो हमारा देश का चौकीदार ये कह रहा है तो हमारी विनम्रता को तो मेरे दोनों जिले जानते, ईश्वर ने, मेरी पार्टी ने अगर आदेश किया और मुझे मौका मिला तो आगरा की धरती पर एक काम, पांच काम है मेरे हृदय के अंदर अभी आगरा में जो होने हैं। अब लोग कमिट कर देते हैं, देखिए हृदय से बाहर आ सकते हैं या धरती पे धरना देने से कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जज यहां बैठा हुआ है, एज ए लॉयर वकील का कर्तव्य है, आप जनता ने तुम्हें वकील बना के वहां भेजा है, जनता ने बना के वकील बना के भेजा है, तो ये मान के चलिए उस वकालत में जज के सामने आपको वकालत करनी है। सरकार और देश का प्रधानमंत्री अपनी सरकारें सुनती है पर वकील कैसा है ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब भी मात खा जाते हैं, या हम किसी दरोगा से लड़े हैं, किसी सिपाही से लड़े, लेखपाल से लड़े, इसका कोई लड़ने का महत्व नहीं। जिस वकील को तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा है लोकसभा के अंदर, मां अपनी बात को रखो, सदन के पटल पर रखो, अपने देश के प्रधानमंत्री से कहो, सरकार से कहिए कि ये हमारे क्षेत्र में होना है और हम लेके आए, हमने करके दिखाया। तो बस मुझे सिर्फ इतना कहना हो, आज की तारीख में अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और मेरी मां ने मेरी बात को, पुकार को सुना, तो निश्चित रूप से न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई कम्युनिटी, न कोई समुदाय, साथ और धर्म का वोट मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद लोकसभा सीट से पूर्व सांसद श्री प्रभुदयाल कठेरिया जी, जिनका ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए उन्होंने जनता के हृदय में जो अपनी जो जगह बनाई है, कहीं ना कहीं उस लोकप्रियता का लाभ उन्हें आने वाले समय में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनको अवश्य मिलेगा। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद जिस तरह से उन्होंने जो घोषणाएं की हैं जनता के लिए और जो आगरा को जो दिया है, वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत के रूप में भी अवश्य देखा जाए। समाचार एक्सप्रेस आगरा।